वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को यहां दिए गए लाल बटन को दबाकर फ्री में सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, जिससे आप हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर तुरंत पा सकें और कोई वीडियोस मिस ना हो पाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत का दूसरा ताजमहल कहे जाने वाले बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसे औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी मां के स्मृति में बनवाया था। ये मकबरा अकबर और शाहजहां के काल के शाही निर्माण से अंतिम मुगलों के साधारण वास्तुकला के परिवर्तन को दर्शाता है। मुगल काल के दौरान ये वास्तु औरंगाबाद शहर के मध्य हुआ करता था। ये मुगल बादशाह औरंगजेब के निर्माण किए गए वास्तु में सर्वोत्तम है। बीबी का मकबरा औरंगजेब और उसके ऐतिहासिक शहर का मुख्य केंद्र बिंदु था। इस मकबरे का मुख्य आकर्षण मकबरे के मुख्य द्वार पर बनी समाधि है, जिसे उस समय के इंजीनियर हंसपत राय उर्फ अत-उल्लाह ने किया था। अत-उल्लाह उस्ताद अहमद लाहौरी का बेटा था, जिन्होंने ताजमहल को डिजाइन किया था। इतिहासकारों के अनुसार इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था। इन्हें राबिया-उद-दौरानी के नाम से जाना जाता था। दिलरस बानो बेगम का जन्म ईरान के सफी राजवंश में हुआ था। उनके पिता मिर्जा बेडिस जमान सफवी गुजरात के वायसराय थे। दिलरस बानो बेगम ने 8 मई सन 1637 को राजकुमार मुगल उद्दीन, जिन्हें बाद में औरंगजेब के नाम से जाना जाता था, आगरा में शादी कर ली। दिलरस उनकी पहली पत्नी थी और वो उन्हें अपने सभी सलाहकारों में मुख्य मानते थे। अपने पांचवें बेटे मोहम्मद अकबर को जन्म देने के बाद दिलरस प्रसव में होने वाली समस्या के कारण प्रसूति ज्वार से पीड़ित हो गई और जिससे 8 अक्टूबर 1657 को उनकी मौत हो गई। दिलरस के मृत्यु के बाद औरंगजेब बहुत दुखी हो गया। अपने नवजात भाई की देखभाल के लिए दिलरस की बड़ी बेटी जेबन निसा ने जिम्मा उठाया। दिलरस बानो बेगम को मृत्यु के बाद इसी मकबरे में दफनाया गया है। दिलरस बानो बेगम की सासू माँ, जो बच्चे देने के समय मर गई थी, उन्हें औरंगजेब ने अपने मकबरे से कुछ दूर खुल्लाबाद में दफनाया था। इस मकबरे का निर्माण सन 1651 से लेकर सन 1661 तक चला, जिसमें अनुमानतः 6,68,203 रुपए की लागत लगी थी। ये मकबरा एक विशाल चार दीवारी के केंद्र में स्थित है, जो उत्तर दक्षिण में 458 मीटर और पूर्व पश्चिम में 275 मीटर है। विशिष्ट मुगल चारबाग पद्धति मकबरे को शोभायान करती है और इस तरह एक रूपता और उसके उत्कृष्ट उद्यान से इसके सौंदर्य और भव्यता में चार चांद लग जाते हैं। इसके चार दीवारी पर नुकीले भालादार कांटे लगाए गए हैं। इसे आकर्षक बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर बुर्ज बनाए गए हैं। इस मकबरे का गुंबद पूरी तरह संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। गुंबद के अलावा दूसरा निर्माण प्लास्टर से किया गया है। इस वास्तु के निर्माण के लिए लगने वाले पत्थर जयपुर की खदानों से लाए गए थे। आजम शाह इसे ताजमहल से भी ज्यादा भव्य बनाना चाहता था, परंतु बादशाह औरंगजेब द्वारा दिए गए खर्च में वो मुमकिन नहीं हो पाया। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के गुंबद के आकार से छोटा है। तकनीकी खामियों के कारण और संगमरमर की कमतरता के कारण ये वास्तु कभी भी ताजमहल की बराबरी नहीं कर पाएगा। राबिया-उद-दौरानी के मानवीय अवशेष भूतल के नीचे रखे गए हैं, जो अत्यंत सुंदर डिजाइनों वाले एक अष्टकोणीय संगमरमर के आवरण से घिरा हुआ है, जिस तक सीढ़ियों से उतर कर जाया जा सकता है। मकबरे के भूतल के सदृश इस कक्ष की छत को अष्टकोणीय वेवर द्वारा बेधा गया है और एक नीची सुरक्षा भीति के रूप में संगमरमर का आवरण बनाया गया है। अतः अष्टकोणीय वेवर से नीचे देखने पर भूतल से भी कब्र को देखा जा सकता है। मकबरे के पश्चिम में एक छोटी मस्जिद स्थित है, जो शायद बाद में बनाई गई है। इस मस्जिद में वर्तमान समय में विवादों और सुरक्षा के चलते नमाज अदा नहीं की जाती है। इस मकबरे के मुख्य दरवाजे से अंदर जाने पर हमें मुगलीय शैली की बनावट का अनुभव होने लगता है।
मुगलीय शैली की वास्तुकला में पानी और सुंदर बागानों की अहम भूमिका रही है। बागानों के मध्य में एक लंबे कोड़ का तालाब है जिसमें अनेकों भव्य फव्वारे लगे हैं। मकबरे के मुख्य दरवाजे से मकबरे तक जाने के दोनों तरफ एक 6 फीट ऊंचाई की जालीदार दीवार है जो ताजमहल में नहीं पाई जाती है। इस मकबरे को गरीबों का मकबरा भी कहा जाता है। एक समाचार पत्रिका में छपे खबर के अनुसार अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का परपोता होने का दावा करने वाले शहजादा याकूब हबीबुद्दीन तुसी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित ऐतिहासिक बीबी के मकबरे में नियमित रूप से नमाज की इजाजत मांगी थी। तुसी ने कहा कि मकबरा परिसर में स्थित ये मस्जिद बंद है और यहाँ नमाज की इजाजत नहीं है, ये संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार के खिलाफ है। मकबरे के संरक्षक तुसी ने कहा, अगर ऐतिहासिक ताजमहल में पूरे साल नमाज की इजाजत है तो ताजमहल की नकल इस मकबरे में क्यों नहीं। तुसी ने बताया कि उन्होंने नमाज की मांग करते हुए इस सिलसिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि कम से कम 3 नमाज की इजाजत दी जा सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।